दोस्तों, जीवन में जब कभी भी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने जीवन से हताश और निराश हो जाते हैं, तो इस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा, जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के ये 10 अनमोल विचार आपको जीवन में हमेशा हौसला देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचार से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर उसे पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का एक नया मकसद मिल सकता है। अगर आप अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, तो आप उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं, या फिर इन बातों को आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद के स्मृति में उनके अनमोल विचारों को आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का नाम उनको उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया तथा वेदांत दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में किया। अपने समाज के सेवा कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा हूँ, और उसी पल मैं हर बंधन से छूट गया, हर उस चीज से जो बंद रखती है धूमिल हो जाती है, और मैं तो आज़ाद हूँ। अपने ज्ञानमय विचारों से सभी को प्रभावित किया। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो आपको जीवन में हमेशा हौसला देंगे। नंबर 1, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले आपको कभी भी टूटकर बिखर नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, आज के समय में 90% लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं और भगवान को कोसते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे गरीब क्यों पैदा किया। इस विचार के लोग हमेशा कुंठित रहते हैं, अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि इनके मन में ही पाप भरा होता है। इनके दिमागों में कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं आती, कभी सकारात्मक सोच नहीं आता, इसलिए ये एक तरह का पापी इंसान होते हैं, जो ना ही खुद के लिए कुछ कर पाते हैं और ना ही दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप में कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने काम के प्रति लगन से काम करना चाहिए। नंबर 3, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप खुद से सीखते हैं तो यह आपके जीवन में लंबे समय तक काम आता है, लेकिन यदि कोई आपको कुछ सिखा कर जाता है तो आप उसे तुरंत ही भूल सकते हैं और आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। नंबर 4, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। दोस्तों, आप सत्य को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही होगा, वो हमेशा एक ही होगा, क्योंकि
परमेश्वर एक ही है और वही सत्य है। नंबर 5, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। यदि आप बाहर से कोई स्वभाव लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं तो यह अंदरूनी स्वभाव का सबसे बड़ा रूप है। अगर आप बाहर से बुरे दिखते हैं, बुरे करते हैं, तो यह बहुत ही छोटा अंश होगा। नंबर 6, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे अंदर है। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है इस दुनिया में। दोस्तों, आँखें खोलकर आप दुनिया को देखें, आपके सामने अंधकार नहीं है, आपके सामने प्रकाशमय दुनिया मौजूद है। आप इस पर जो चाहे कर सकते हैं। नंबर 7, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यहां हम यदि कमज़ोर पड़ जाए तो हम खुद को दूसरों से बहुत ही पीछे धकेल लेते हैं। कोई भी इंसान आपको पीछे नहीं धकेल सकता क्योंकि आप खुद में मजबूर हैं। आप खुद से अपने आप को कमज़ोर समझते हैं जिसके कारण आप हमेशा पीछे ही रहते हैं, कभी आगे बढ़ नहीं सकते। आप प्रयास ही नहीं करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यही कारण है कि आप हमेशा कमज़ोर महसूस करते हैं। इतने बड़े विशाल व्यायामशाला में आप खुद को अकेला क्यों महसूस करते? आप उस व्यायामशाला में कार्य करें और आगे बढ़ें, आप खुद ब खुद आगे आ जाएंगे। नंबर 8, दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। दोस्तों, जब आप दुविधा में पड़ जाते हैं और दिल और दिमाग काम नहीं कर पाता है तो सबसे पहले आप अपने दिल की सुने, यह आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। नंबर 9, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। दोस्तों, अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। नंबर 10, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दोस्तों, जब आपके सामने कोई समस्या ही ना हो तो आपको कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आने वाला। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आप रास्ता भटक गए हैं, आप अपने लक्ष्य को भटक गए हैं। प्रकृति ने इस दुनिया को ऐसे निर्माण किया है, जो आगे बढ़ता है उसके सामने हमेशा टकराव और रुकावटें हमेशा पैदा होती है। यदि आपके जीवन में, आपके कार्य में कोई रुकावट ना आए तो आपको निश्चय ही समझ लेना चाहिए कि आप रास्ता भटक चुके हैं और आप गलत दिशा में चल चुके हैं। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ये 10 अनमोल विचार आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है, इसे आप हमेशा याद रखें। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने जीवन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यह आपके जीवन में हमेशा ही हौसला देने वाले होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और पड़ोसियों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।